कांवड़ यात्रा के बाद कह रहे हैं कि फिर अपना जो चाहे वो रख लियो, पर कांवड़ तलक अपना यह नाम बदल लो। पर अच्छे आदमी नहीं आएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो सीधे ही जाए, पूरे साल का नुकसान होता है। अब जो कांवड़ के बाद 2 महीने होते हैं कुछ काम नहीं होता उसमें। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फरनगर के एक पहल की गई है। इस बार उन्होंने कहा है कि कांवड़ रूट पर जो पड़ती दुकानें पड़ती हैं, जो ढाबे पड़ते हैं, उन्हें अपने ओनर का नाम लिखवाना है। ये नाम लिखवाने भी लोगों ने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले चाय लवर पॉइंट का आया था, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। 2 दिन पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, जो अब वकील साहब टी स्टॉल हो गया है। वकील टी स्टॉल होने के बाद अब इस दुकान पर क्या असर पड़ने वाला है, बात करेंगे यहाँ के ओनर से। आखिरकार क्या कहना है, कौन इनके पास आए थे, क्या वजह रही इस नाम को चेंज करने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। फहीम साहब, आपने दुकान का नाम चेंज किया, इससे पहले क्या हुआ करता था? चाय लवर पॉइंट। वजह क्या रही इसका चेंज करने की? वजह कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा के बाद कह रहे हैं कि फिर अपना जो चाहे वो रख लियो, पर कांवड़ तलक अपना यह नाम बदल लो। कौन आपके पास इस चीज़ के लिए आया था, नाम बदलने के लिए, कहने के लिए, और कब आपने ही बदला है? भंगेला चौकी से आए थे, 10-12 दिन हो गए, और ऐसे चुप गाड़ी आई थी खतौली से। क्या कहा उन्होंने? नाम बदलने को बोला, बोला कि ऐसा नाम रखो, अपना नाम जो तुम्हारा नाम है उसके आगे खान या मोहम्मद लगाओ। वजह बस यही है कि कांवड़। जिससे कि कांवड़ियों को ये पता चल सके कि ये दुकान किसकी है। आपको क्या लगता है कि अब ये आदेश जो जारी हुए हैं, आपका नाम दुकान का चेंज हो गया है, पहले चाय लवर पॉइंट होया करता था, अब वकील अहमद टी स्टॉल है, तो क्या लगता है कि इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्त जो है वो आएंगे दुकान पर? देखो जी, जिनको कुछ नहीं पता वे तो आने ही हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, पर अच्छे आदमी नहीं आएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो सीधे ही जाए। वजह यह है कि हिंदू मुसलमान। जो प्रशासन ने ये पहल की है, आपको क्या लग रहा है कि सही है या गलत है? बस सही गलत तो वे ही जानते हैं, इसके बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान होगा जी। कांवड़ यात्रा के दौरान एक आदमी के मन में बात रहती है 2 पैसे कमाने की, क्या लग रहा है कि इस बार नुकसान होने वाला है? हाँ जी बिल्कुल, पूरे साल का नुकसान होता है। अब जो कांवड़ के बाद 2 महीने होते हैं कुछ काम नहीं होता उसमें। तो सुना आपने, इस दुकान के मालिक का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने जो पहल की है उन्होंने सोच समझ कर की होगी, लेकिन इस पहल से उन्हें इस बार कांवड़ यात्रा में नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को यहाँ से गुजरेगा, वो इनके दुकान का नाम देखकर यहाँ पर नहीं रुक पाएगा।